इधर से इधर जल रहा है पूरा। अच्छा मरने वाला है, रिकॉर्ड हो गया, नंबर इंटरनेट पे पहुंच जाएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो सारे के सारे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम जाने वाले हैं थोड़ा सा सामान लेने सुपरमार्केट, और नाश्ता भी करेंगे और जाएंगे उथेम में, वहाँ पे कुछ सामान लेंगे। अगर देखेंगे नहीं मिलेगा तो हम बंगाली मार्केट भी जाएंगे, लेकिन उम्मीद तो नहीं है वहाँ तक जाने के लिए, लेकिन देखेंगे यहीं पर लेंगे सामान वामान और थोड़ा सा नाश्ता भी करेंगे, उसका भी आपको थोड़ा बहुत क्लिप दिखा देंगे अगर हो सकता है तो। तो फटाफट से अभी चलते हैं, हमने सलमान को फ़ोन कर दिया है, अभी वो आता होगा गाड़ी लेके, उसके बाद हम निकल जाएंगे। तो फटाफट से कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हम आ चुके हैं केरला होटल में नाश्ता करने के लिए। दम घुट रहा है, इन्फेक्शन हो गया है। इसी को सारा मसाले का सामान खोखा को, सब बीमारी इसी को होता है, मसाले के आइटम खोखा। क्या हो रहा है बता, इधर से इधर जल रहा है पूरा। अच्छा मरने वाला है, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ये मरने वाला है, इसका काम खत्म हो गया। ये तो सांस ही नहीं निकलती इसका, इतना बड़ा कॉलम डाला है यहाँ से, ये पिलर से वो पिलर तक डाला है। क्या है ये, कॉन्क्रीट का पूरा एक शीट, इसे उठा के रखा है बस, हो गया। तो अभी हम आ चुके हैं सामान मन लेके, और कुछ सामान हमने अंदर रख लिया तो याद आया यार सूट करना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पालक, और यहाँ पे बहुत सारे सामान हमने लिए हैं। देखो आलू है, तेल है, करेला है, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको हमको फ्रिज में रखना है, जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं। बाकी का लहसुन है, अदरक है, सबको हमको मशीन में पीसना है। तो काम है काफ़ी सारा है और खाना भी बनाना है। आया मैं तो थोड़ा सा आराम कर लिया, तुरंत मैं नहीं किया ये सब, और भी चीज़ें हमने फ्रिज के अंदर भी रख दी हैं, जैसे कि यहाँ पे दही हमने रख दी है, और इसके बाद और यहाँ पे हमने तेल भी रख दिया, और दो हमें ऑफर में मिला 24 रियाल का, ये कनोल ऑयल है सरसों का, और पालक है, सब कुछ है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से जो चीज़ फ्रिज में रखना रख देंगे, उसके बाद देखेंगे खाना बनाएंगे, और बाकी उसके बाद एडिट करेंगे। और कुछ क्लिप पुरानी पड़ी है वो मैं इसके बाद डाल दूंगा आपको। इससे पहले मैं गया था जब आपसे अकाउंट बनाने, तो वहाँ पे हमने कुछ सामान लिए थे, तो उसके बाद हम लोग गए थे एक दिन बंगाली मार्केट, वहाँ पे हमने प्याज वगैरह लिया था, तो उसका हमारे पास क्लिप पड़ा है जो कि पिछले हफ्ते का है, वो भी इसमें हम इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये सब एक ही में आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो भी हमने शॉपिंग की है, जो सामान खरीदा है बाज़ार से, तो वो सारी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ कि इसी वाले ब्लॉग में डाल दूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आखिर इस तरह का जो ब्लॉग होता है, जो रॉ ब्लॉग होता है, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। और हाँ, आपने अगर कल वाली वीडियो नहीं देखा है, कल वाला ब्लॉग नहीं देखा है, तो जाके देखिए, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है। सच्ची बता रहा हूँ, मेरी पुरानी मेमोरी जितनी भी थी ना, सब वापस लौट गए, ऐसा लग रहा था कि सच में, क्योंकि इस लॉकडाउन में हम कहीं जा नहीं पा रहे थे, और वो ब्लॉग एडिट करते हुए ऐसा लग रहा था कि हम ही खुद जा रहे हैं, मतलब उमरा करने के लिए। तो वो 2 साल पहले वाला क्लिप था, तो उसका मैं एक एपिसोड तैयार कर रहा हूँ जिसमें हम लोग उमरा करने गए थे। तो वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप देखते रहो। और इस तरह के रॉ ब्लॉग बीच बीच में आएंगे, लेकिन उसका हम एपिसोड नाम लिख देंगे रियाद टू मक्का, और उसके बाद हम एपिसोड लिख देंगे 1, 2, 3। तो आप सारे एपिसोड जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्लॉग है। अभी मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो इतना बड़ा प्याज, आधा किलो का है सब, वही है देखो कितने बड़े बड़े प्याज। शायद ही आपने इतने बड़े प्याज देखे होंगे, देख रहे हो इतना बड़ा। वो चाइना वाला का बना, चाइना वाला का वही कौन तुम्हारे घर में बनता है,
यार चाइना वाला का वो तो बोलो कौन तुम्हारा घर वाला बनता है घर के बारे बात नहीं कर रहे हैं हम कल चाइना है ना कंपनी तो है ना का लिखा है वहाँ चाइना तो लिखा है तो नहीं और मेसी है हवाई चाइना है पुराने खरीदे थे मिल गया क्या करें गरीब आदमी एयरटेल है भेज तो 100 रुपया रहे ना हम कंपनी काट रहे हैं ना टैक्स 30% हम थोड़ी काट रहे हैं भैया तुम तो टैक्स ले रहे हो कौन और हम टैक्स ले रहे हैं रिकॉर्ड हो गया नंबर इंटरनेट पे पहुंच जाएगा कौन कौन फोन करेगा हमको खुद नहीं मालूम चलेगा हम समझ सकते हैं वैसा नहीं करूँगा यूट्यूब पे एक विश्वास होता है समझ लेना अप्रोच अगर अगर यही करते ना तुम तो तुम्हारे पास पहली बार थोड़ी नहीं डरा रहा हूँ पता नहीं विश्वास होता है ठीक है अरे कई बार हम बतिया है फोन करके कभी नहीं उससे अगर कोई कुछ बोल देता है ठीक है तब वो बता देता तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लहसुन और अदरक दोनों यहाँ पे छील के रख लिया अब इसको हम थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए रखेंगे उसके बाद मशीन में पीस देंगे फिर ये बन जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट उसके बाद ये तकरीबन 1-1.5 महीना चलेगा उसके बाद फिर नया बनाएंगे थोड़ा सा आसान रहता है खाना बनाने में तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर आप चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकन दबा दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें बाय